नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार को निधन हो गया। वरुण 7 दिनों से बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती थे। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि ग्रुप कैप्टन की पार्थिव देह गुरुवार दोपहर 2:30 पर सेना के विमान से भोपाल आएगी। एयरपोर्ट रोड सन सिटी कॉलोनी में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। शुक्रवार सुबह 11 बजे भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके गृह जिले देवरिया उत्तर प्रदेश से भी परिवार के लोग भोपाल आ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन की ससुराल इंदौर में है। उनकी पत्नी गीतांजलि के चचेरे भाई संजय सिंह ने बताया कि वरुण साल में एक या दो बार इंदौर आते थे। इसी महीने स्वर्ण चक्र मिलने की खुशी में पार्टी देने इंदौर आने वाले थे। शहीद वरुण के पिता और सेना के रिटायर्ड कर्नल केपी सिंह भोपाल की एयरपोर्ट रोड पर बनी सन सिटी कॉलोनी में ही रहते हैं। वरुण भी अक्सर भोपाल आते जाते थे। हालांकि वरुण सिंह के परिवार का कोई भी सदस्य अभी यहां नहीं है और घर में ताला लगा हुआ है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पड़ोसी और सन सिटी उत्सव समिति कॉलोनी भोपाल के अध्यक्ष दलजीत सिंह गुरुदत्ता ने बताया कि वरुण अभी दिवाली में घर आए थे। वह बहुत मिलनसार थे, कॉलोनी के बच्चों से बहुत दुलार करते थे। जब कभी आते तो सभी बच्चों से मिलते, उनकी हौसला अफजाई करते, साथ ही बच्चों से उनके लक्ष्य के बारे में पूछते, फिर उन्हें करियर टिप्स देते थे। पड़ोसी अनिल मूलचंदानी ने बताया कि भोपाल शहर उन्हें काफी पसंद था। पड़ोसी महेंद्र त्यागी ने कहा कि वरुण के पिता उनके अच्छे दोस्त हैं। जब वरुण अस्पताल में भर्ती थे तो उनके पिता से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अभी बेटा अच्छा है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि वरुण अब हमारे बीच नहीं रहे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान के बैचमेट थे। अभिनंदन वर्तमान ने ही 27 फरवरी 2019 को भारत की सीमा में घुसे पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ा था। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह DSSC में पदस्थ होने के चलते उनका पूरा परिवार तमिलनाडु में रहता है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह कांग्रेस नेता और प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के भतीजे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।